भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर नकली ज्वाइनिंग करने के आरोप लगाए हैं। ताजा मामला जंगलबेरी वार्ड नंबर 5 से है, जहां पर वार्ड नंबर 5 के पंच के तौर पर चुनाव जीत कर आए राकेश कुमार ने आरोप लगाया है कि वे अपनी किसी सवारी को लेकर कांग्रेस विधायक के घर गए थे, जहां आनन फानन में उनको विधायक राजेंद्र राणा ने कांग्रेस का पटका पहनाकर कांग्रेस में शामिल करने की बात की। उन्होंने कहा कि वे विधायक के समक्ष डर गए थे और वहां उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं दे पाए, परंतु जैसे ही वे कार्यक्रम से वापस आए हैं तो उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों ने संपर्क किया और जिसके बाद उन्हें पता चला कि उन्हें कांग्रेस में शामिल करने की बात की गई थी। उन्होंने कहा कि वे अभी भी भाजपा में हैं और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के समर्थन में खड़े हैं। उन्होंने कहा कि वे पहले भी भाजपा के लिए काम करते आए हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। वहीं सुजानपुर मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर, महामंत्री अनिल शर्मा, पवन शर्मा, मीडिया प्रभारी विनोद ठाकुर ने आरोप लगाया है कि विधायक राजेंद्र राणा ओछी और निम्न स्तर की राजनीति अपनाकर कांग्रेस की विचारधारा में लोगों को शामिल करने का गलत प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग भाजपा में हैं वे अभी भी भाजपा की विचारधारा से ही जुड़े हैं और विधायक को इस तरह की निम्न स्तर की राजनीति नहीं करनी चाहिए। राकेश कुमार, वार्ड 1 हूँ, 5 नंबर वार्ड से, और गाड़ी चलाता हूँ और सवारी लेके गया था, और बीए के पढ़ाई में जो है मेरे को कांग्रेस वालों ने पटका बना के जो है सम्मानित कर दिया, और मैं बीजेपी का हूँ और बीजेपी में रहूँगा।